यू रोट टिल हियर, आई थिंक यू रोट टिल दिस सेमीकोलन, राइट? ठीक है, नाउ राइट दिस कमेंट, दिस कमेंट राइट. अज्यूमिंग, अज्यूमिंग द स्टैक कंटेन्स इंटीजर्स, okay, now write the red statement, struct stack s, write the red statement, whenever I use a color, you should also ideally use a color, struct stack s, कमेंट इधर लिखो, क्रिएटिंग अ स्टैक, क्रिएटिंग अ स्टैक, कम ऑन फास्ट, लिखा हाँ. अभी एक और कमेंट लिखो इसके नीचे, वेरी इंपॉर्टेंट, द कमेंट शुड बी इन कलर, इंपॉर्टेंट कमेंट इसके नीचे है, लिखो स्ट्रक्चर वेरिएबल एस, स्ट्रक्चर वेरिएबल एस इज अ ग्लोबल वेरिएबल, इज अ ग्लोबल वेरिएबल एंड नीड नॉट बी पास्ड टू एनी फंक्शन. फुल स्टॉप. All functions can access and modify this variable and the modifications will be permanent. Close the comment. Now, अच्छा अभी देखो हमने इधर तक प्रोग्राम किया ना, अब जैसे कि मैं बोल रहा हूं चीजों को डायग्रामेटिकली समझो, तो इतना अगर तुमने किया ना तो बेसिकली डायग्रामेटिकली इतना काम हुआ, ठीक है ना. एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर, तो मेन में समझो एक हमने सिंपल इंटीजर वेरिएबल एक्स क्रिएट किया और उसके बाद हमने लिखा s डॉट टॉप इक्वल टू माइनस वन. इफ s डॉट टॉप इज इक्वल टू माइनस वन, दैट मीन्स वी आर इनिशियलाइजिंग द स्टैक टू बी एम्प्टी, ऐसा बोलने का, ये बोलने का तरीका होता है. इफ टॉप इज इक्वल टू माइनस वन, वी आर इनिशियलाइजिंग द स्टैक टू बी एम्प्टी. अच्छा एक सिंपल क्वेश्चन सिंटैक्स से रिलेटेड, अगर मैं खाली ऐसा लिखूं टॉप इक्वल टू माइनस वन, एस डॉट नहीं लिखूं तो भी नहीं चलेगा, बिकॉज टॉप इज अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर, समझा? तो मेरे को एस डॉट लिखना ही पड़ेगा. अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, सुनो. अभी वॉइड मेन से मैं क्या, वॉइड मेन में मैं क्या करूंगा ना, मैं प्रिंटेफ स्कैनएफ लिख के यूजर से एक्स का वैल्यू रीड करूंगा. वो प्रिंटेफ स्कैनएफ कैसे लिखने का हम बाद में देखेंगे, फॉर टाइम बीइंग एक प्रिंटेफ स्कैनएफ लिख के मैं एक्स का वैल्यू रीड करूंगा, ठीक है. x is an integer, समझे यूजर ने x का वैल्यू दिया 44, क्या दिया 44. Now I will write this, I will write push x, ऐसा. Can you give me two words for this? Function call. To which function? Push. आज के बाद एक habit बनाओ, make a habit of looking at the function call and writing the first line of the function. अच्छा अब ये function call को देखो और मेरे को बोलो इसका return type क्या होगा? यानी तुमको क्या लगता है ये function कुछ return कर रहा है क्या? नहीं. देखो ये समझने के दो तरीके हैं, दो. एक तरीका तो ये है कि तुम logically सोचो, function push क्या करेगा, तुमसे एक value लेगा
और उसको स्टैक में डाल देगा, तुमको वापस कुछ देगा नहीं, समझा? अच्छा अभी इसको समझने का दूसरा तरीका पता है क्या है, मैकेनिकल तरीका। ये स्टेटमेंट को देखो, ये स्टेटमेंट को देखो, वेरी गुड। अगर फंक्शन कुछ कुछ रिटर्न करता है ना, रिटर्न, तो इधर मैं ना ऐसा कुछ लिखता हूं, वाई इक्वल टू पुश एक्स, समझा? तो वो रिटर्न कुछ कर नहीं रहा है, इसलिए मैंने लिखा सिर्फ पुश एक्स, तो इसका रिटर्न टाइम बोलो क्या आएगा? हाँ, नाउ थ्रू आउट द लेक्चर ना तुमको ये पोर्शन लिखने में ना प्रॉब्लम आएगा, अभी नहीं आएगा बट बाद में आएगा, इसलिए ध्यान से सुनो। अगर तुमको इधर सही आंसर लिखना है ना, तो तुम अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछो, एक सवाल पता है क्या, अपने आप से पूछो x का डेटा टाइप क्या है, इंट ना, तो बस इधर लिख दो क्या, इंट x, ऑलराइट। ये अभी तुमको सिंपल लग रहा है, बाद में डिफिकल्ट लगेगा। यू हैव टू आस्क योरसेल्फ वन क्वेश्चन, x का डेटा टाइप क्या है। अच्छा अभी एक बात कर लेते हैं, s का डेटा टाइप क्या है, क्या है, क्या है, तो ये भूलना नहीं है, स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा अभी समझो x का वैल्यू 44 है और तुमने पुश को कॉल किया, अभी तुम फंक्शन पुश के अंदर गए, हाँ ये वर्ल्ड मेन है, अब वर्ल्ड मेन से कंपाइलर ऐसे जंप करके पुश में जाएगा। अभी जब तुम फंक्शन पुश में जाओगे, सबसे पहले तुमको क्या चेक करना पड़ेगा, तुमको देखो एक एलिमेंट है ना इसे स्टैक में डालने का है, तुमको एक एलिमेंट स्टैक में पुश करने का है, तो तुमको क्या चेक करना पड़ेगा, थिंक लॉजिकली, यू कैन बिकम अ प्रोग्रामर ओनली इफ यू हैव कॉमन सेंस। हाँ बोलो क्या, फुल है कि नहीं। हाँ तुमको ये चेक करना पड़ेगा स्टैक फुल है क्या, क्योंकि अगर फुल है तो तुम पुशिंग हाँ वो कैसे करने का, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। एक बात बोलो, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक विल बी एट पोजीशन नंबर जीरो, तो समझो इधर है ना पहले से 77 है, तो बोले टॉप का वैल्यू क्या होगा, जीरो, पक्का ना? समझो इधर 88, 66 पहले से है, तो टॉप का वैल्यू क्या होगा, समझो इधर 44, 22 पहले से है, तो टॉप का वैल्यू क्या होगा, पक्का ना, श्योर ना? टॉप विल ऑलवेज स्टोर द पोजीशन ऑफ टॉप मोस्ट एलिमेंट, और टॉप 4 होगा, 4 इज 5 माइनस 1, वॉट इज 5, स्टैक साइज ना, तो इसका मतलब इफ आगे बोल सकते हो क्या, टॉप इज इक्वल टू स्टैक साइज, स्टैक इज फुल। अच्छा तो मैं लिखूंगा इफ टॉप ना, हाँ ये मिस्टेक नहीं करना, इफ एस डॉट टॉप इज इक्वल टू, हाँ बोलो क्या, स्टैक साइज फिर क्या, -1, तो इसका मतलब स्टैक इज फुल। तो अभी ये देखो, अभी समझो ये कंडीशन ट्रू है, तो तुम ये प्रिंटेफ में आओगे, आई मीन तुम ये इफ के अंदर आओगे, एंड प्रिंटेफ ऐसा डिस्प्ले करेगा स्टैक ओवरफ्लो कैनॉट पुश, क्या बोलेगा, एक छोटी सी बात, कोई कोई टीचर्स इधर लिखते हैं स्टैक फुल, वो भी करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है, बट एक्चुअली है ना इसको स्टैक ओवरफ्लो बोलना चाहिए, लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था। स्टैक ओवरफ्लो का मतलब होता है कि स्टैक इज ऑलरेडी फुल एंड स्टिल यू गेव अ कॉल टू फंक्शन पुश, तो इधर स्टैक पहले से फुल था उसके बावजूद तुमने पुश को कॉल किया, तो इसको बोलते स्टैक ओवरफ्लो, तो चलेगा फुल लिखा चलेगा बट ओवरफ्लो बेटर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे एग्जिट वन। अभी एग्जिट वन क्या करता है, एग्जिट वन टर्मिनेट्स द प्रोग्राम, क्या बोला हमने, एग्जिट वन क्या, टर्मिनेट्स द प्रोग्राम, इसका मतलब क्या होता है ना, ये जो ओवरफ्लो है ना, ओवरफ्लो इज एन इलीगल ऑपरेशन, स्टैक ओवरफ्लो इज कंसिडर टू बी एन इलीगल, एंड क्योंकि तुमने इलीगल ऑपरेशन कमिट किया है ना, यू शुड नॉट टर्मिनेट द प्रोग्राम। सो जस्ट लाइक एसक्यूआरटी, जस्ट लाइक पीओडब्ल्यू, एक लाइब्रेरी फंक्शन है एग्जिट वन। हाँ ये एग्जिट वन क्या करेगा ना, प्रोग्राम को बंद कर देगा, प्रोग्राम बंद, आउटपुट उधर ही रुक जाएगा। कोई कोई टीचर्स ना एग्जिट वन के बदले में लिखते हैं रिटर्न, रिटर्न क्या करता है पता है, रिटर्न करेक्ट है बट रिटर्न विल टर्मिनेट ओनली द
function push. Whereas exit one will terminate the entire program. I'm sure किसी किसी को ना return and exit one में फर्क नहीं समझ में आ रहा है. तो मैं ना तुमको फर्क समझाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मैं कितना भी बोलूं तुमको समझ में नहीं आएगा. तुम एक काम करना, ये प्रोग्राम है ना तुम्हारे वीकली प्रैक्टिकल्स में डेफिनेटली आएगा, वीकली प्रैक्टिकल्स. तो तुम क्या करना पता है, ये प्रोग्राम को ना एक बार एग्जीक्यूट करना बाय राइटिंग रिटर्न और एक बार लिखना exit. तुमको फर्क समझ में आएगा, अपने आप को समझेगा क्या फर्क है. अगर तुम रिटर्न लिखोगे ना तो प्रोग्राम बंद नहीं होगा, वो मेन में चला जाएगा मेन, और एग्जिट वाले नहीं पूरा प्रोग्राम ही बंद हो जाता है. ये समझा? यहां तुमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखा मैंने, गेट सी एच. ये गेट सी एच है ना, इट विल डू द वर्क ऑफ होल्डिंग द स्क्रीन. व्हाट वर्क इट विल डू? अगर तुम गेट सी एच नहीं लिखोगे ना तो ये मैसेज ना तुमको ऐसा खाली एक मिली सेकंड के लिए दिखेगा, ऐसा दिखेगा और गायब हो जाएगा, तो फ्लिकर होएगा. सो फॉर होल्डिंग द स्क्रीन तुमको लिखने का है. इफ यू आर यूजिंग उबंटू और समथिंग इन योर कॉलेज तो लिखने का जरूरत नहीं है. लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, ये गेट सी एच थियोरी एग्जाम में लिखने का जरूरत है कि नहीं है? नहीं है. थियोरी एग्जाम में गेट सी एच वेट सी एच नहीं लिखने का. गेट सी एच हम क्यों लिख रहे हैं? खाली आउटपुट देखने के लिए. थियरी एग्जाम में प्रोग्राम किधर लिखने वाले हो? पेपर पे ना, तो उधर उसको लिखने का जरूरत नहीं है. थियरी एग्जाम में कॉनियो लिखने का भी जरूरत नहीं है. कॉनियो इज अ सपोर्टिंग स्टेटमेंट फॉर गेट सी एच एंड क्लियर स्क्रीन. तो थियरी एग्जाम में ना गेट सी एच लिखने का, ना क्लियर स्क्रीन लिखने का, ना कॉनियो लिखने का. एनी डाउट्स क्लियर? डेटा स्ट्रक्चर कोई भी प्रोग्राम होता है ना तो उसमें स्ट्रक्चर होना ही चाहिए. ओके, विदाउट स्ट्रक्चर यू शुड नॉट डू इट आइडियली. उसका एडवांटेजेस बाद में समझ में आता है. ओके, एनीवे, ये समझा? एनी डाउट्स क्लियर? अच्छा, अभी ये देखो, अभी ये सिचुएशन देखो, ध्यान से देखो. तुमने पुश को कॉल किया एंड समझो स्टैक है ना वो सच में, इन रियालिटी स्टैक ऐसा है, इन रियालिटी स्टैक ऐसा है. अब मेरे को पता चलेगा सच में समझ में आ रहा है कि ऐसे बस बेल जैसा मुंडी हिला रहे हो. तुमने पुश को कॉल किया, x का वैल्यू है 44. क्या वैल्यू है? 44. कंपाइलर पुश के अंदर गया. बोलो ये कंडीशन ट्रू और फॉल्स? एकदम सिंपल, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. एस डॉट का वैल्यू क्या है? इज माइनस वन इक्वल टू 5 माइनस वन? क्या क्या डिफिकल्ट हो जाए. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स ना, अरे स्टैक फुल थोड़ी है अभी. तो इसका अंदर कंपाइलर के अंदर आएगा क्या? क्या आया ना? तो कंपाइलर अब इधर आएगा. अब इधर मैं कौन सा वर्ड लिखूं? else. वेरी गुड, बट else का एक्चुअली जरूरत नहीं है. लिखा तो चलेगा बट जरूरत नहीं है. क्यों जरूरत नहीं है? क्वेश्चन एकदम सिंपल, आंसर एकदम सिंपल है. समझो ये कंडीशन ट्रू है. क्या है? तो अगर ट्रू है तो कंपाइलर अंदर आएगा ना. अंदर आके लास्ट स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट करेगा? बिकॉज ऑफ एग्जिट वन वो टर्मिनेट हो जाएगा. तो कंपाइलर जगह पहुंचेगा ही नहीं. बराबर है. और अगर ये फॉल्स है तो एनी वे ये इग्नोर होके इधर आ जाएगा. तो एल्स लिखने का लिखो, गलत नहीं है बट जरूरत नहीं है उसका. एंड अ गुड प्रोग्रामर शुड नॉट राइट रिडंडेंट स्टेटमेंट्स. व्हाट स्टेटमेंट्स? रिडंडेंट. हाँ, उसको बोलते हैं बैड प्रोग्रामिंग. ओके, जब तुम अगर तुमका कोई ड्रीम कंपनी के प्लेसमेंट्स के लिए जाओगे ना, फेसबुक गूगल एंड ऑल, तो वो लोग ये भी चेक करेंगे कि इज दिस प्रोग्रामर राइटिंग रिडंडेंट स्टेटमेंट्स. एंड अगर तुम रिडंडेंट स्टेटमेंट्स लिखते हो तो तुमको फिर वो लोग प्लेस नहीं करेंगे. क्योंकि क्या होता है, ये सब जो वेबसाइट्स होते हैं ना उसमें एग्जीक्यूशन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हर एक स्टेटमेंट कुछ ना कुछ टाइम लेगा एग्जीक्यूट करने के लिए. तुम जितना रिडंडेंट स्टेटमेंट लिखोगे उसका उतना टाइम बढ़ेगा, विच दे डोंट वॉन्ट. एनी वे, अभी समझो ये सिचुएशन है, x का वैल्यू 44 है. तो अभी हमको 44 को पुश करने का है ना. तो 44 शुड कम एट विद पोजीशन नंबर 0. तो नाउ वी विल राइट अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट, लगेगा डिफिकल्ट, है नहीं. हम लिखेंगे
s dot items of, of का मतलब square bracket, plus plus s dot top equal to, equal to x. लगेगा difficult है नहीं. अच्छा अब मेरे को बताओ currently what is the value of s dot top. ठीक है, अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. अब जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो इधर देखो, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है या असाइनमेंट ऑपरेटर है? पहले कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा, इंक्रीमेंट या असाइनमेंट? इंक्रीमेंट, क्योंकि वो प्री इंक्रीमेंट है. क्या है वो? तो क्या होगा ना, ये जो एस डॉट टॉप है ना, उसका वैल्यू डैश से डैश हो जाएगा, माइनस वन से जीरो. तो ये देखो, ये हो गया माइनस वन से जीरो, बराबर बराबर. और x का वैल्यू क्या है मैंने बोला? हाँ, x का वैल्यू है 44. तो तुम अगर थोड़ा ध्यान दोगे ना, तो तुम रियलाइज करोगे ये स्टेटमेंट ऐसा बन गया. देखो कितना सिंपल बन गया, ये ऐसा बन गया, s dot items, आगे बोलोगे क्या? ऑफ जीरो, ऑफ बोलने का, ऑफ जीरो इक्वल टू 44. कितना सिंपल. तो इसका मतलब पोजिशन जीरो पे 44 आ गया, पुशिंग हो गया. चलो एक काम करते हैं, इसको एक और बार एग्जीक्यूट करते हैं. समझो तुमने एक और बार लिखा पुश 99, पुश क्या? कंपाइलर जंप करके गया इधर. अभी एकदम फास्ट, ट्रू और फॉल्स? हुआ है इधर, पहले इंक्रीमेंट हो गया असाइनमेंट. तो एस डॉट टॉप का वैल्यू जीरो से क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा, बराबर. अभी जीरो से वन हो गया ना, तो ये ऐसा हो जाएगा एस डॉट आइटम्स ऑफ क्या? इक्वल टू 99. तो पोजीशन वन पे 99 आ गया. आई थिंक तुमको ये समझा. ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन ध्यान से सुनो, बी अटेंटिव. बी अटेंटिव. लास्ट वीक जब मैंने तुमको पुश का जनरल फॉर्मेट बताया ना, जनरल फॉर्मेट, तो मैंने तुमको बोला था पुश का ना जनरल फॉर्मेट ऐसा होता है. पुश है ना, हम ऐसा लिखते हैं पुश s, x. कैसे लिखते हैं पुश? वेर x इज द एलिमेंट विच यू आर पुशिंग एंड s इज द स्टैक. नाउ इफ यू आर स्लाइटली अटेंटिव यू विल रियलाइज, अभी जब मैंने पुश को कॉल किया तो मैंने x तो लिखा मगर s नहीं लिखा ना, नहीं लिखा है ना, s कॉमा नहीं लिखा है. आई एम नॉट पासिंग s एज अ पैरामीटर टू फंक्शन पुश. ऐसा क्यों? बिकॉज एस इज अ ग्लोबल वेरिएबल. मैंने क्या बोला, योर लाइफ इज गोइंग टू बिकम सिंपल. तो देखो वो एस निकल गया क्योंकि एस ग्लोबल वेरिएबल है, तो तुमको उसको पास करने का जरूरत ही नहीं है. फंक्शन पुश कैन एक्सेस इट, उसको पूरा राइट से उसको एक्सेस करता है. ये समझा? श्योर. ठीक है, एक और चीज सिखाने का बाकी है, वो मैं बताऊंगा अबाउट फंक्शन पुश. बट पहले तुम क्या करो सुनो, यू विल कॉपी दिस मच. इधर ये लाइन जाए, कौन सा स्टेटमेंट लिखोगे? गेट सी एच, गेट सी एच. ऑल राइट, वेट वेट. और इसके नीचे ये डायग्राम बनाओ. डायग्राम इज मोर इंपॉर्टेंट देन कॉपिंग द प्रोग्राम. ठीक है, स्टार्ट. कम ऑन, हरे पास. ये कमेंट में लिखो, ये देखो, टर्मिनेट्स प्रोग्राम, टर्मिनेट्स प्रोग्राम.
हॉपिंग शुड बी फास्ट. लास्ट वीक मैंने बोला था डेटा सेट में टाइम नहीं मिलने वाला तुमको. इफ यू नो एवरीथिंग इन योर पेपर यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट मोर देन 70-75. हो गया. डायग्राम बनाओ. कम ऑन फटाफट एकदम फास्ट. हैंडराइटिंग एकदम गंदा आना चाहिए. ये लाइन से ऊपर जो माइनस वन को कैंसिल करे जीरो बनाओ, जीरो को कैंसिल करके वन बनाओ. बराबर बनाओ ध्यान से. 9944 फिल करो. हो गया. अभी इज डन. लो अभी मेन में देखो पुशिंग हो गया. क्या हो गया? पुशिंग. अभी समझो स्टैक है ना ऐसा दिख रहा है. समझो स्टैक ऐसा दिख रहा है 44 99 22 77 and 88 ऐसा. ठीक है, सच में समझ में आ रहा है? तो बोलो व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ टॉप. ठीक है, अभी आई विल गिव अ कॉल टू फंक्शन पॉप. तो मैं लिखूंगा एक्स इक्वल टू पॉप. बाय द वे पॉप का जो जनरल फॉर्मेट था ना उसमें मैं इधर एस भी लिखता था, बट अभी क्यों नहीं लिख रहा तुमको पता है. नाउ मेक अ हैबिट ऑफ लुकिंग एट अ फंक्शन कॉल एंड राइटिंग द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन. बोलो फंक्शन का नाम. फंक्शन का नाम पॉप. पहले से आंसर रेडी मत रखो. फंक्शन का नाम. फंक्शन का रिटर्न टाइप. फंक्शन का रिटर्न टाइप. वेरी गुड. कैसे मालूम पड़ा? दो तरीका, लॉजिकली मैकेनिकली. पॉप क्या करता है? रिटर्न. हाँ, और वो ये स्टैक में से एलिमेंट रिटर्न करेगा ना. वो किसको रिटर्न करेगा भाई? अभी किसको करेगा? 88 ना. 88 का डेटा टाइप क्या है? इंट. एंड मैकेनिकल तरीका ये है कि इधर देखो असाइनमेंट ऑपरेटर दिख रहा है ना, तो एक्स का डेटा टाइप इंट है तो इसलिए रिटर्न टाइप इंट. अच्छा, तो ये देखो मैं इधर लिखूंगा इंट, इधर आएगा इंट. हाँ, उसके बाद इधर आएगा पॉप एंड ब्रैकेट में ये इंट एक्स, वो तो ऐसे ही रहेगा. हाँ, कुछ नहीं आएगा. क्या इसमें क्या तुमको डिफिकल्ट लग रहा है? ये देखो तुम्हारा एसपी शायद बहुत वीक है. ये देखो इधर कुछ नहीं है तो उधर भी कुछ नहीं आएगा, ये खाली रहेगा ऐसा. ठीक है. अच्छा, आप ध्यान से सुनो. जब हम फंक्शन पुश के अंदर जाते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि वेदर द स्टैक इज फुल और नॉट. तो जब हम फंक्शन पॉप के अंदर जाएंगे हम ये चेक करेंगे वेदर द स्टैक इज बराबर ना. तो अभी मैं क्या करूंगा ध्यान दो. थिंग्स आर डिफिकल्ट बट इंटरेस्टिंग. इनसाइड फंक्शन पॉप आई विल राइट इफ, एंड इफ का जो पैरेंथेसिस है उसमें मैं लिखूंगा ये. कैन यू आंसर इन टू वर्ड्स व्हाट इज द रेड कलर कॉल्ड? टू विच फंक्शन? हाँ, इसका मतलब पॉप एम्प्टी का हेल्प ले रहा है ये जानने के लिए कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं. तो अभी मुझको क्या करना पड़ेगा? बिफोर राइटिंग फंक्शन पॉप मेरे को फंक्शन एम्प्टी लिखना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन एम्प्टी के बाद ही मैं पॉपिंग कर पाऊंगा ऐसे. अच्छा, तो अभी चलो अब मेरे को पता चलेगा तुमको फंक्शन का फर्स्ट टाइम लिखने को आता है क्या नहीं. फंक्शन का नाम एम्प्टी. हाँ, कितना आर्गुमेंट ले रहा है? ठीक है, जीरो बराबर. हाँ, अभी सुनो ध्यान से. तुमको रिटर्न टाइप बता रहे हैं बट सुनो पहले. फंक्शन एम्प्टी है ना, ये चेक करेगा वेदर द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट.
अगर एम्प्टी है तो वो रिटर्न करेगा ट्रू यानी वन, क्योंकि सी लैंग्वेज है वन। एंड अगर एम्प्टी नहीं है तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स यानी जीरो। इसका मतलब वो रिटर्न करेगा या तो डैश या तो डैश, रिटर्न टाइप बोल इंट, क्योंकि वन जीरो दोनों का डेटा टाइप क्या होता है इंटीजर ना। तो चलो डिक्टेट करो फंक्शन एम्प्टी का फर्स्ट टाइम डिक्टेट करो कम ऑन इंट एम्प्टी एम्प्टी पैरेंथेसिस में कुछ नहीं ना। अभी कितना सिंपल है तुमको ऑलरेडी आता है व्हेन इज द स्टैक एम्प्टी टॉप इज इक्वल टू माइनस 1 तो इधर आएगा इफ एस डॉट टॉप इज इक्वल टू क्या माइनस वन रिटर्न बोलो क्या वन क्योंकि वो एम्प्टी है ना समझा। एल्स एल्स का मतलब वो एम्प्टी नहीं है तो रिटर्न जीरो रिटर्न जीरो। अच्छा अब एक सिंपल बात सुनो अभी वो एम्प्टी है कि नहीं है ये डायग्राम में स्टैक एम्प्टी है कि नहीं है समझो है समझो समझो स्टैक एम्प्टी है तो क्या रिटर्न करेगा जीरो। सिंपल क्वेश्चन ध्यान दो ना दैट वन ये जो वन रिटर्न करेगा ये इट विल रिप्लेस विच कलर ऑन दिस बोर्ड रेड कलर। ये रेड कलर फंक्शन कॉल है ना तो होगा क्या जब ये वन रिटर्न होगा ना वन है ना ये रेड कलर को रिप्लेस करेगा। इसका मतलब ये बन गया इफ वन ना इफ वन का मतलब वो ट्रू हो गया समझा। तो अभी कंपाइलर ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा आप नीचे इधर आ जाएगा एग्जीक्यूट करेगा करेगा ना अगर ये ट्रू है तो इफ के अंदर आएगा ना सिंपल। अब देखो पुश में ना तुमने ऐसा लिखा था प्रिंट है स्टैक ओवरफ्लो के नॉट पुश अभी तुमने को प्रिंट है बोलो स्टैक अंडर फ्लो के नॉट पॉप। अंडर फ्लो इज अ सिचुएशन वेयर द स्टैक वाज ऑलरेडी एम्प्टी एंड इन स्पाइट ऑफ दैट यू डिड पॉपिंग समझा पक्का। उसके बाद ये देखो देखो गेट सी एच एंड गेट सी एच के बाद एग्जिट वन या रिटर्न इतना समझा ना। अच्छा अभी ये जो डायग्राम है सच में जो डायग्राम है एज पर दिस डायग्राम पॉपिंग होगा के सॉरी एज पर दिस डायग्राम वो फंक्शन एम्प्टी क्या रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स ना। फॉल्स का मतलब ये रेड कलर विल गेट रिप्लेस बाय व्हाट बाय जीरो ना पक्का ना। तो अभी ये सब एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा अभी कंपाइलर इधर आ जाएगा और इधर मेरे को एक ऐसा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जो पॉपिंग करेगा। एनी डाउट्स क्लियर श्योर ठीक है। अब इधर जो मैं सिखाने वाला ना थोड़ा डिफिकल्ट है थोड़ा डिफिकल्ट है तुम एक काम करो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर ओके ये ब्रेस तक कॉपी करो एक ब्रेस इसके लिए तुमको खाली 30 सेकंड्स मिलेगा फास्ट एकदम फास्ट। इधर देखो क्या लिखोगे स्टैक अंडर फ्लो के नॉट पॉप चलो स्टार्ट ऑपरेशन के लिए अलग फंक्शन लिखना पड़ता है सर फटाफट